नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। इन दिनों आकांक्षा दुबे की कई सोशल मीडिया की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आकांक्षा का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो, फिर आकांक्षा दुबे का आखिरी वीडियो जिसमें आकांक्षा समर सिंह पर इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही हैं, और आकांक्षा की एक तस्वीर जो एक साल पुरानी है जिसमें आकांक्षा चोटिल है। माना जा रहा है कि समर सिंह से मारपीट के बाद आकांक्षा का ये हाल हुआ था। इस बीच आकांक्षा का एक और पोस्ट इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। ये पोस्ट आकांक्षा दुबे ने खुद ही की थी। 3 मार्च की पोस्ट है ये। 3 मार्च को आकांक्षा दुबे ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर साझा की जिसमें सीधे सीधे अपने रिश्तों को लेकर के आकांक्षा बात करती हुई नजर आ रही हैं। आकांक्षा ने अंग्रेजी में लिखा, आई हेट टू फेस पीपल, इट्स सो हार्ड टू डिसाइड विच फेस टू स्लैप फर्स्ट। ये पोस्ट सीधे सीधे आकांक्षा के रिलेशनशिप पर नजर डालता है। आकांक्षा के समर सिंह के साथ रिलेशनशिप कितने खराब हो चुके थे ये इस पोस्ट में जाहिर हो रहा है। आकांक्षा जान चुकी थी कि समर सिंह का जो असली चेहरा है वो कुछ और है, और समर सिंह दूसरों के सामने किसी और ढंग से बर्ताव करता है, यही इस पोस्ट में भी नजर आ रहा है। इस पोस्ट को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं की जा रही हैं और कमेंट में भी इस बात को लोगों ने उठाया है, और ये साफ नजर आ रहा है कि कई दिनों से आकांक्षा दुबे लगातार ऐसे इमोशनल पोस्ट कर रही थी। आकांक्षा काफी दिनों से परेशान थी, डिप्रेशन में थी, और अपने रिश्तों को लेकर के इनडायरेक्टली समर सिंह को निशाना साध रही थी। अब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक के बाद एक आकांक्षा दुबे के सोशल मीडिया के पोस्ट को खंगाला जा रहा है, और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर समर सिंह और आकांक्षा के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप बेहतर नहीं चल रहे थे।